दोस्तों, क्या आपको पता है T20 इंटरनेशनल मैच में एक ओवर में कुल 39 रन बने और इस तरह युवराज सिंह, किरण पोलार्ड, दीपेंद्र सिंह एरी, रोहित शर्मा और रिंकू सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया, जिन्होंने एक ओवर में 36-36 रन बनाने का कारनामा किया था। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार नहीं बल्कि अब तक 5 बार एक ओवर में 36 रन बन चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब एक ओवर में कुल 39 रन बने, एक ही ओवर में 6 छक्के भी पड़े और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया, जो अभी तक भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह, वेस्टइंडीज के किरण पोलार्ड, नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी, भारत के रोहित शर्मा, भारत के रिंकू सिंह और वेस्टइंडीज के किरण पोलार्ड के नाम दर्ज था। हालांकि अब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड समोया के बल्लेबाज डेरियस विसर के नाम दर्ज हो गया है। दरअसल समोया के बल्लेबाज डेरियस विसर ने वानुअतु के खिलाफ एक ही ओवर में 39 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के भी शामिल थे। हालांकि ये छक्के लगातार नहीं थे, लेकिन एक ही ओवर में जरूर आए। कुल 3 गेंद 9 बॉल थी। इस तरह एक ओवर में 39 रन बने, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। अभी तक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 39 रन नहीं बने थे। डेरियस विसर ने नालिन निपिको के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी की। डेरियस विसर ने अपनी टीम के लिए शतक भी जड़ा और एक नया कीर्तिमान विश्व स्तरीय क्रिकेट में बनाया। डेरियस विसर ने वानुअतु के गेंदबाज नालिन निपिको के खिलाफ पारी के 15वें ओवर की पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़े। चौथी गेंद 9 बॉल रही, जिस पर कोई रन नहीं बना। अगली गेंद पर डेरियस विसर ने फिर से छक्का जड़ा। 5वीं गेंद ओवर की डॉट रही, अगली गेंद पर डेरियस विसर ने फिर से छक्का जड़ दिया। हालांकि यह 9 बॉल रही और फिर से निपिको ने आखिरी गेंद फेंकी तो डेरियस विसर ने एक और छक्का जड़ा। इस तरह कुल 6 छक्के इस ओवर में पड़े और 3 रन 9 बॉल के तौर पर मिले। इस तरह कुल 39 रन एक ही ओवर में बने। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।